बताया बताया दिमाग को दिखाया डॉक्टर ने क्या बताया दिमाग में कमी उन्हें डॉक्टरों को कहा नहीं दिमाग में कमी क्या होती है कौन सी बार आए यहाँ पे चौथी बार आए कहाँ से आप आए हो कौन से डॉक्टर से इलाज चल रहा था जब से दवाई खा रहे हैं कम खा रहे हैं कम खा रहा छोड़ देखो दर्द कहाँ दर्द देखो दर्द चल गए दर्द है कमर में कम हो गया ना ठीक जय शनि जोर से मारते एडी नीचे जमीन पे ये गैस चला लेते हैं ये काप गया सर दूसरी भी मार और जय शनि देव जय शनि देव बड़ा कष्ट देता है इसको बीच में बताओ ना बीच में इनके साथ कौन है डॉक्टर को दिखा रहे थे तीन साल से डॉक्टर को आप बोले क्या है अपनी रिपोर्ट से लेके आए मैंने एक दिन गुस्से में सारी फाड़ के फेंक सारी फाड़ के कौन कौन से हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था सबसे पहले मेरे सर में दिक्कत बनी थी सर में आवाज़ें आती थी तो डॉक्टर ने बोला कि नसें खराब हो चुकी हैं शायद तो MRI कराओ तो मैंने MRI कराया डॉक्टर ने रिपोर्ट नॉर्मल आई मानसिक स्तर पे नसें खराब हो चुकी हैं शायद MRI कराओ MRI कितने की हुई 10,000 समथिंग की हुई बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने पहले ही 10,000 रुपये लगवा दिए फिर उसमें कुछ नहीं आया तो क्या बोले फिर उन्होंने बोला माइग्रेन हो सकता है आप एक वन वीक की माइग्रेन की दवाई खाते फिर वन वीक की माइग्रेन की दवाई खाई फिर क्या बोले फिर गला खराब हो गया फिर गला खराब हो गया वो छोड़ दी दवाइयाँ आराम कोई पड़ा नहीं फिर गले में यहाँ पे कह रहे हैं कि हो सकता है पेट में अल्सर हो गया हो गले में कह रहे थे पेट में अल्सर हो गया हो ये कह रहे थे फिर अब चेस्ट में पेन बन रहा है तो डॉक्टर पल्स बढ़ा दी चेस्ट में पेन बन बीपी हाई पाया परसों हाथ क्यों कांप रहा है ऐसे ऐसे ही होता है जब भी दिक्कत बनती तब होता है अभी दिक्कत बनी मेरे सामने खड़े होकर घबराहट हुई किसको हुई मैं बताता हूँ किसको पीछे हो बोले जो कलेजे पे बैठता है हे शनिदेव महाराज जो कलेजे पे बैठता है तुरंत अपने अधीन करो उसको अपनी शरण में लो अपनी कृपा करो मेरी रक्षा करो हाँ मुझ दीनहीन को शरणागति प्रदान करो मुझे धैर्य दो और सब चीज़ों में स्थिरता लेकर आओ सभी अंगों में स्थिरता उत्पन्न करो आपकी सदा ही जय हो तीन बार बोलते दोनों एडी ठोकते हुए जय शनिदेव तीन तीन बार ठोक दी अभी बता दे कहाँ घबराहट हो रही है कहाँ कंपन हो रही है और कहाँ है? है कम हुई है थोड़ी लेकिन है है कम हो गई पल्स जो 90 होनी चाहिए थी वो मेरी 130 कर रखी है अभी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पल्स प्रेत के कारण है उससे आपको नुकसान कोई नहीं होने वाला और जब आप आओगे क्योंकि मैं बताता हूँ आपको बेटे
आपको दर्द रहते हैं साथ साथ, बोलो हाँ के ना, दर्द रहते हैं कि नहीं साथ साथ? बहुत ज्यादा दर्द रहते हैं। वही रखो, बता रही है, कभी बीच में एक आध बार दिखाया करो। हाँ, क्या नाम है तेरा? दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएगा सोनिया, चक्कर आ गए, सर घूम गया, दर्द है कहीं? दर्द नहीं है, दर्द कहाँ गए सोनिया, दर्द कहाँ गए? बोले श्रीदेव महाराज की। ये जो इतने चक्कर काटे, बहुत सारे पैसे दिए, आप डॉक्टरों को क्या कहना चाहेंगे? अगर ये दिक्कत है तो डॉक्टरों के पास जाना ही बेकार है। दिक्कतें आप देख रहे हो सभी आदमियों को यही है, और हम पढ़े लिखे होने के कारण, क्योंकि हमें बना दिया गया पढ़ा लिखा, अब हम पढ़े लिखे हो गए, आध्यात्मिक तो हम रहे नहीं, भगवान पे हमारा विश्वास नहीं रहा, तो हमारा जीवन सब जीव भूतों को मनु भैया का प्रणाम है, जो जीव भूत नहीं है पशु योनी में है, मनुष्य होते हुए भी कुत्ते आदि का जीवन जी रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो कहीं तो कुछ ना कुछ विचार करके कहते हैं, लेकिन उनका विचार चूंकि वो तुच्छ प्राणी है, वो जीव भूतों में आते नहीं, भगवान ने उनको अंगीकार नहीं किया हुआ, वे अपने आप को उसी श्रेणी से नीचे गिरा देते हैं, भगवान का नाम वो लेने वाले नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कहोगे? चार से पांच बार आओगे ठीक हो जाओगे, है ना? आठ बार का पर्चा दिया होगा मैंने आपको, है ना? अभी दो बार फूंक मारी, दर्द तो नहीं है ना कहीं? एक बार बोलो, घबराहट बंद करो, उसको स्थिर करो, तत्व को बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव, बड़े प्रेम से गहराई में उतर कर, और गहराई में उतर कर, अब कहाँ घबरा? घबराहट भी करो, पास में रहो, चार दिन यहीं रहो, डॉक्टर की ऐसी की तैसी, कोई डॉक्टर तुम्हारे काम नहीं आएगा मनु भैया के अलावा, ठीक है? ये केवल पैसे लेने के हैं, चाटने के हैं। तेरा यहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है? सवा रुपया भी नहीं, खुश रहो। बोले गुरुदेव मनु भैया जी की जय, शनिदेव जय, जय शनिदेव। बाप को से इतने सालों से WHO क्या कर रही है, उसको ये तक नहीं पता है कि तू जिस एलोपैथी को बढ़ावा दे रहे हो तुम, वो एलोपैथी इंसान के 50-60% से ज्यादा काम फ्रॉड कर रही है, यानी कि वो आदमी को काट भी रही है, उसको उसकी समस्या भी नहीं है, और उसके जीवन भर का पैसा उसकी जेब से निकाल के खा भी रही है। खुले तो कोई बात नहीं, मैं तो चाहता भी नहीं, सब चले जाएंगे, आओ ना इसके साथ।